हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी की है। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर का रिव्यू। और ये डार्क ब्राउन कलर का शेड है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे आपको ओपन कर दिखाती हूँ और देख लेते हैं कि इसकी पैकिंग कैसी है। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हो, ये है गोदरेज एक्सपर्ट क्रीम हेयर कलर डार्क ब्राउन 4.06 इसका शेड है। और रिच क्रीम अल्ट्रा सॉफ्ट डीप शाइन, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। मेरा जो शेड है वो डार्क ब्राउन शेड है, कुछ इस तरह का शेड है जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। नो एमोनिया, लॉन्ग लास्टिंग कलर देता है आपके बालों को। और इसमें आपको क्रीम प्लस डेवलपर सेकेट्स मिल जाता है, तो दोनों चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी पाउच के। तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, आपने इसे कैसे यूज करना है। ये देखिए, आपको इस पिक पे भी नजर आ रहा होगा। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, सभी चीजें इसके ऊपर अच्छे से मेंशन की हुई हैं। और गाइस, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप अपने बालों में कोई भी कलर लगाते हैं तो उसे प्लीज एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा, और ताकि आपको उससे पता चल जाए कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। और इसे अच्छे से रीड जरूर करिएगा जब भी आप इस कलर को या किसी भी हेयर कलर को फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो एमआरपी की मैं अगर बात करूं तो ये है 30 रुपीज के प्राइस में। ये देखिए, आपको शायद नजर आ रहा हो, ये देखिए 30 रुपीज के प्राइस में मुझे मिल गया था। ये देखिए, इसकी डेट वगैरह भी सभी चीजें मेंशन की हुई हैं। तो चलिए, मैं अभी इस पाउच को आपको ओपन कर दिखाती हूँ और कैसे आपने इसे बनाना है, कैसे लगाना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हमें इस गोदरेज के हेयर कलर को कैसे तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर 2 सेकेट हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको 2 सेशन मिलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेशन में आपको क्रीम मिल जाती है और सेकंड में डेवलपर मिल जाता है। और इसके अंदर एक ही पेपर दिया गया है, इसको भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों में। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले इस बाउल में क्रीम को ऐड कर लेती हूँ। और इस क्रीम का कलर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये ग्रीन कलर में है, जैसे कि इसके ऊपर एलोवेरा जेल भी बनी हुई है, तो ये ग्रीन कलर में है। तो इसको अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी डेवलपर। और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और इसके बाद अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हेयर कलर को अप्लाई करने जा रही हूँ, और अप्लाई करने से पहले मैं फोरहेड पर और अपने ईयर्स के आसपास इस तरीके से वैसलिन को अप्लाई कर लूंगी, ताकि यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूँ अगर कलर लग भी जाए तो वो कलर आसानी से रिमूव हो जाए मेरी स्किन से। इसलिए मैं यहाँ पर वैसलिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इस कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए आप, थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा। और मैं फटाफट से इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने अपने बालों में हिना लगाई है तो हिना लगाने की इमीडिएट आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना है, आपने एटलीस्ट 2 मंथ्स वेट करनी है, उसके बाद ही आप इस हेयर कलर को अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अपने बालों में 2 दिन पहले 1 दिन पहले अगर हिना अप्लाई किया है तो प्लीज इसे बिल्कुल मत लगाइएगा। 2 महीने तक वेट कीजिएगा, एटलीस्ट 2 मंथ्स आपने इसे वेट करना है लगाने के लिए, तभी आप इसे लगा पाएंगे और इसका अच्छा जो वो कलर है वो आप देख पाएंगे। तो अगर आपके छोटे बाल हैं तो आपको 1 पाउच काफी होगा, लेकिन अगर आपके मेरी तरह लंबे बाल हैं तो 1 पाउच आपके बालों के लिए काफी नहीं होगा, आपको 2 पाउच लेने होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सेम शेड नंबर हो और सेम कलर हो, सेम ब्रांड हो, ऐसा नहीं हो किसी और ब्रांड का आप मिक्स करके लगा ले। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, सेम ब्रांड का ही कलर आपने मिक्स करना है, सेम शेड मिक्स करना है, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आया था कि नेचुरल ब्राउन कलर पर, जिसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी गार्नियर हेयर कलर पर, तो उस पर एक कमेंट आया था कि ये बिल्कुल बकवास है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप जब भी कोई हेयर कलर अपने बालों में अप्लाई करते हैं
तो सबसे पहली बात हमें उसकी मात्रा देखनी है, और हमारे बाल छोटे हैं या लंबे हैं तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। और अगर आप कोई भी हेयर कलर अपने बालों में अप्लाई करेंगे और अगर आप छाया में देखेंगे अपने बालों का कलर तो आपको ब्लैक ही नजर आएगा। आपको अगर कलर देखना है अपने बालों में, नेचुरल कलर देखना है उसका क्या कलर आया है हेयर कलर से आपके बालों में, तो आपको धूप में खड़े होकर देखना होता है उसका कलर। धूप में आपको सनलाइट में यानी कि नजर आएगा कि एक्चुअल शेड क्या आया आपके बालों में, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको हर एक रिजल्ट अपने बालों का धूप में ही दिखाती हूं, और इससे आपको पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस था पहले के बालों में आपके बालों में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिया है इस कलर को अच्छे से, और अब मैं इसे 30 मिनट तक लगा रहने दूंगी अपने बालों में, और उसके बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी, और इसके बाद मैं कोई भी शैम्पू या सोप का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था। पहले मैंने ठंडे पानी से वॉश किया था और उसके बाद मैंने अपने बालों में शैम्पू कर लिया था। दो दिन बाद मैंने शैम्पू किया था। तो आप भी अगर इस हेयर कलर का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो गाइस सेम डे शैम्पू मत कीजिएगा, 2 से 3 दिन बाद ही शैम्पू कीजिएगा। इससे आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कम बजट में ये बहुत अच्छा हेयर कलर है, आपके बालों को बहुत अच्छा कलर देता है इतने कम पैसों में। क्योंकि आप जब सलून में भी जाते हैं तो आप देखते होंगे गाइस बहुत महंगा पड़ता है हमें वो कलर, और कम पैसों में आपके बालों को बहुत ही अच्छा कलर देता है गाइस। प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।